हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं थे प्रोफेसर गंगाराम विश्वकर्मा। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा ध्रुव वंश के अंतर्गत कृष्ण देव राय के जो उत्तराधिकारी हुए, अंचुदेव राय या सदाशिव राय एवं उसका प्रधानमंत्री राम राय की जो शासनकाल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी उसके बारे में, तालीकोटा के युद्ध या राक्षस तकड़ी का युद्ध के बारे में। तो इसी युद्ध के बाद जो विजयनगर साम्राज्य की स्थिति बनती है उसमें एक नए राजवंश के हाथों में विजयनगर साम्राज्य की बागडोर जाती है, जो इतिहास में आरविंदु वंश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरविंदु वंश के बारे में, लेकिन इस वीडियो पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे हम और भी जो वीडियो बना रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें, साथ ही इस पर लाइक करें, कमेंट्स करें। इससे हम और भी अच्छी वीडियो एवं जो भी गलतियाँ हों उसको सुधार सकें। दोस्तों, वीडियो पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर अपलोड हुई वीडियो के बारे में नहीं देखा तो आप देखें, आपको प्लेलिस्ट में इतिहास विभाग के नाम से दिल्ली सल्तनत एवं कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में जो वीडियो बनाए गए हैं उनका संग्रह मिलेगा, आप उन्हें जरूर देखें। चलते हैं आज की वीडियो पर। आरविंदु वंश, जिनका शासन 1570 से 1652 ईस्वी तक रहता है। आरविंदु वंश की स्थापना किस प्रकार हुई? दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि तालीकोटा के युद्ध में जब राम राय की पराजय होती है एवं उसकी मृत्यु होती है, तो उसके परिवार द्वारा साम्राज्य की बागडोर ली जाती है और उसका भाई तिरुमल गद्दी पर बैठ जाता है। तो इसी तिरुमल ने आरविंदु वंश की स्थापना की। तो राम राय के भाई तिरुमल के हाथ में साम्राज्य की गद्दी आती है। तिरुमल ने पेनुगुंडा को अपनी राजधानी बनाया था। 1570 ईस्वी में उसने सदाशिव राय जो था, जो तालीकोटा के युद्ध के समय में शासक था, उसको अपदस्त कर दिया और आरविंदु वंश की स्थापना की। यानी जो सदाशिव राय था उसको हटा करके आरविंदु वंश की स्थापना की गई। इस वंश के बैंकट द्वितीय ने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया था। जो बैंकट द्वितीय की अनुमति लेकर राजा उड़ियान ने श्री रंगपट्टम की सूबेदारी को नष्ट होने पर मैसूर राज्य की स्थापना की थी। स्पेन के सम्राट फिलिप तृतीय से संभवतः वेंकट का सीधा पत्र व्यवहार होता रहता था। 1558-1598 ईस्वी में ईसाई पादरियों को अपने दरबार में उसने स्वागत भी किया। उसने बिल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्मित करने की अनुमति भी दी। वेंकट द्वितीय को चित्रकला में बहुत अधिक रुचि थी। उसे यूरोपीय चित्र अधिक पसंद थे। ज्येष्ठ चित्रकार अपनी सेवा में उसने रखे थे। इस वंश का अंतिम शासक जो था वो था श्रीरंग तृतीय। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया और उसका पतन हो गया। तो इस प्रकार जो आरविंदु वंश था, इसके बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। तो पतन किस प्रकार हुआ?
इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चल देखते हैं विजयनगर साम्राज्य का पतन की रूपरेखा। जब कृष्णदेवराय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन आरंभ हुआ, उसका उत्तराधिकारी अच्युतदेव राय हुआ, लेकिन उसका विरोध रामराय द्वारा किया गया। इस आंतरिक संघर्ष का लाभ उठाकर विजयनगर के शत्रु पुनः सक्रिय हुए और विजयनगर पर आक्रमण होने लगे थे। अगला शासक सदाशिव राय, इसका शासनकाल 1542 से 1572 ईस्वी तक हुआ। उसके समय में वास्तविक सत्ता उसके प्रधानमंत्री राम राय के हाथ में आ गई थी। इसी काल में जो ये युद्ध हुआ तालीकोटा का, वह महत्वपूर्ण निर्णायक हुआ। इसमें बहमनी सम्राट के उत्तराधिकारी राज्यों ने संगठित होकर विजयनगर राज्य पर आक्रमण किया और उसे पराजित भी किया। विजयनगर के अधिकांश क्षेत्र विजय राज्यों ने आपस में बांट लिए और केवल कुछ क्षेत्र विजयनगर के हाथ में रह गया, जिन पर आरबिंदु वंश का शासन रहा। तो इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। जब पतन हो गया तो जो कुछ राज्य बचे थे उन राज्यों पर आरबिंदु वंश के शासक कुछ समय तक शासन करते रहे। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम एक बार फिर आपको बताते हैं कौन कौन से वंश हुए और कौन कौन से प्रमुख शासक थे। पहला आता है संगम वंश, जिनका शासनकाल 1336 से लेकर 1486 तक रहता है। इसके संस्थापक हरियर और बुक्का थे। इसका अंतिम जो शासक था वो विरूपाक्ष द्वितीय था। इसके बाद स्लोप वंश, जो 1486 से 1505 ईस्वी तक रहता है। नरसिंह स्लोप ने इसकी स्थापना की थी और इमांडी नरसिंह इसका अंतिम शासक हुआ था। अगला जो वंश रहता है तुलुप वंश, इसका शासनकाल 1505 से 1517 ईस्वी तक रहता है। वीर नरसिंह इस वंश का संस्थापक था और सदाशिव राय इस वंश का अंतिम शासक हुआ। इसके बाद जो अंतिम वंश रहता है विजयनगर साम्राज्य का, आरविंदु वंश, इसका शासनकाल 1570 से 1652 ईस्वी तक रहता है। जो इसका संस्थापक था वो राम राय का भाई तिरुमल था और इसका जो अंतिम शासक हुआ वो श्रीरंग तृतीय था। तो इस प्रकार इन चार राजवंशों ने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।